नवी मुंबई के डे केयर में बच्चे की पिटाई के बाद पुलिस ने किया केयर टेकर और डे केयर के मालिक को गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने आईपीसी की धारा 325 और 23 के तहत दर्ज किया मामला। केयर टेकर और डे केयर के मालिक पर जुवेनाइल एक्ट 2000 के तहत भी मामला। मुंबई के अंधेरी स्टेशन पर दनदनाती हुई घुसी एक कार, मुसाफिरों में हड़कंप, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इनकम टैक्स ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर जताया एतराज, कहा नोटबंदी के बाद भी अवैध ट्रांजैक्शन की जानकारी आयकर विभाग से साझा नहीं करती मुंबई पुलिस। नागपुर में एक मेटाडोर से एसीबी ने बरामद किए 1 करोड़ रुपए, 550 और 1000 के पुराने नोट, पुलिस को शक, काले धन के एक्सचेंज की जा रही थी कोशिश। पांच सौ के दो तरह के नए नोट बाजार में आए, आरबीआई ने कहा दोनों नोट असली, जल्दबाजी में प्रिंटिंग में हुई है थोड़ी सी गलती। 500 के नए नोट पर एक पर गांधी की तस्वीर में 3D शेडो, लेकिन दूसरे में नहीं, दोनों नोटों में प्रिंटिंग के करीब 9 असमानताएं। नए 500 के नोट के इंक पर उठे सवाल, दिल्ली में एक शख्स ने किया दावा, नोट घुल जाने पर स्याही बेहद फीकी पड़ी। शिरडी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत की खबर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लगाई है मोबाइल स्वैप मशीन। एनसीपी नोटबंदी के खिलाफ महाराष्ट्र में 28 तारीख से विपक्षी दलों के साथ करेगी आंदोलन, कांग्रेस ने भी सोमवार को नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन का प्लान बनाया। मुंब्रा में 7 साल के बच्चे का अपहरण कर पड़ोसी ने की हत्या, शव को झोपड़ी में दफना दिया। मुंबई के धोबी घाट का रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट शुरू, पर कपड़े सुखाने की जगह चले जाने से लोगों में नाराजगी। बुलढाणा में वन विभाग ने सांगवान की चोरी करते वक्त 7 लोगों को पकड़ा, बाजार में बेचने की थी तैयारी। नवी मुंबई में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का नुकसान। ओशिवारा में फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। सोने में लगातार गिरावट, 125 रुपए गिरकर 28,855 पर बंद हुआ सोना प्रति 10 ग्राम। नोटबंदी पर हाहाकार के बीच आज उछाल पर रहा शेयर बाजार, सेंसेक्स 456 अंक बढ़त के साथ 26,316 पर बंद। निफ्टी 148 की उछाल के साथ 8,114 पर हुआ बंद। बिग बाजार के बाद अब आईनॉक्स के मल्टीप्लेक्स से डेबिट कार्ड से जरिए नकदी निकाल सकेंगे लोग, एसबीआई के साथ हुआ समझौता। फिंच रेटिंग्स का दावा, नोटबंदी का शॉर्ट टर्म में होगा भारत की जीडीपी पर असर, नोटबंदी के बावजूद भारत की जीडीपी चीन से ज्यादा रहने की उम्मीद। टाटा मोटर्स, किंगफिशर समेत 4 कंपनियों पर इनडायरेक्ट टैक्स के 1,000 करोड़ बकाया, 18.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है 2016 में देश के लग्जरी मार्केट का साइज। तिनसुकिया धमाके में शहीद हुए जवान के परिवार को अभिनेता अक्षय कुमार ने दी 9 लाख रुपए की मदद। ऑनलाइन सर्वे में दुनिया के तीसरे सबसे हैंडसम शख्स बने ऋतिक रोशन, टॉप 10 की फहरिस्त में सलमान खान भी शामिल। मुंबई मेट्रो में आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं मुंबई के अंधेरी स्टेशन की तस्वीर, जहां दोपहर के करीब 3:30 बजे के आसपास लोगों ने जो देखा उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक कार चल रही, ये देखकर यात्रियों में हड़कंप मच गया। अंधेरी रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुसाफिरों के बीच दनदनाती हुई सफ़ेद कार प्लेटफॉर्म पर चल रही थी, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर लोकल भी खड़ी थी और ये कार लोकल से बिल्कुल सट कर चल रही थी। कुछ लोग डरे तो कुछ महिलाओं को कार को प्लेटफॉर्म पर देखकर हंसी आ रही थी। बाद में कार के ड्राइवर को पकड़कर पूछताछ की गई तो मालूम हुआ
कि सड़क से प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आने के लिए एक स्लोप बना हुआ है, इसलिए ड्राइवर गलती से अंधेरी स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी ले आया। ड्राइवर के खिलाफ रेलवे पुलिस ने केस दर्ज किया है और जांच कर रही है। यह घटना रेलवे स्टेशन की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। नवी मुंबई के एक डे केयर सेंटर में एक 10 महीने की बच्ची के साथ जो सलूक हुआ, उससे नौकरी पेशा माता पिता को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि बच्चे डे केयर सेंटर में कितने सुरक्षित हैं। पीड़ित बच्ची को पिटाई से ब्रेन हैमरेज हो गया है। डॉक्टर्स के अनुसार उसकी स्थिति अभी भी नाजुक है। नवी मुंबई के खार घर का पूर्वा डे केयर वही सेंटर है जहां 10 महीने की बच्ची के साथ बर्बरता बरती गई। आप समझ सकते हैं कि सेंटर में जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को छोड़ा होगा, खबर देखकर उन पर क्या गुजरी होगी। शुक्रवार सुबह एक एनजीओ के कार्यकर्ता कुछ माँ बाप के साथ वहां पहुंचे और कड़ी कार्रवाई की मांग की। ऐसे जो भी स्कूल है इन पे क्वार्टरली बेसिस रैंडम चेकिंग हो और डे केयर सेंटर का बैनर फाड़ कर कार्रवाई की मांग की। अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जिन्हें टीवी पर देखकर हर माँ बाप का कलेजा कांप गया। ये तस्वीरें हैं पूर्वा डे केयर सेंटर की, जहाँ 10 महीने की बच्ची पर वहाँ काम करने वाली एक आया जुल्मों सितम ढा रही है। वो कभी बच्ची को उठाकर जमीन पर पटक देती है, कभी उसे चांटे लगाती है, कभी जोर से चिकोटी काटती है और कभी उसके मुँह पर बेरहमी से लात मार देती है। नामालूम ये औरत किस मिट्टी की बनी है जिसे एक फूल सी बच्ची के साथ इस तरह हरकत करते हुए जरा भी झिझक या तकलीफ नहीं हो रही। एक बार फिर देखिए कैसे ये पत्थर दिलाया इस बच्ची को मार रही है, जमीन पर पटक रही है, थप्पड़ मार रही है और लाते भी मार रही है। इसी मंगलवार को रजत सिन्हा और उनकी पत्नी पहली बार अपनी बच्ची को इस डे केयर सेंटर में छोड़कर गए थे। जब वो शाम को बच्ची को घर लेकर गए तो उसे लगातार उल्टियां हो रही थी और उसके गालों पर कुछ चोट जैसे निशान भी थे। बच्ची के माता पिता ने उसे फौरन डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उसकी सिर की हड्डी टूट चुकी है। बच्ची अस्पताल में भर्ती है, उसे ब्रेन हैमरेज हो गया है। अपनी बच्ची के साथ घटी इस बर्बरता की शिकायत रजत सिन्हा ने पुलिस से की तो पुलिस डे केयर सेंटर पहुंची। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को अपने कब्जे में लिया, जिससे पता चला कि ये सेंटर बच्ची के लिए डे केयर सेंटर नहीं टॉर्चर चैम्बर था। के बाद वहां सीसीटीवी फुटेज भी मिला और उसमें ऐसा सामने आया कि वहां जो काम करने वाली दो लेडी है उन्होंने वो बच्ची को मारा है। तो वो दो लेडी को हम लोगों ने अरेस्ट किया है, वहां का सीसीटीवी फुटेज भी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है। जांच में पता चला कि बच्ची काफी रो रही थी जिससे आया को गुस्सा आ रहा था। सीसीटीवी फुटेज में जहां आया बच्ची की पिटाई कर रही है वहां कुछ बच्चे सोते दिख रहे हैं। उसे डर था कि बच्ची के रोने के शोर से दूसरे बच्चे जाग जाएंगे और उसका काम बढ़ जाएगा। डे केयर सेंटर की संचालिका पूर्णिमा निकम को तो कोर्ट से जमानत मिल गई है। आया अफसाना शेख को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नौकरी पर जाने के लिए अपने बच्चों को डे केयर सेंटर में छोड़ने वाले माँ बाप सोचते हैं कि वहाँ सीसीटीवी लगा है, उनके बच्चे सेफ हैं। लेकिन इस घटना के सामने आने से साफ है कि बच्चों के साथ हैवान बन जाने वालों को सीसीटीवी का भी कोई डर नहीं होता। बच्ची का खारघर के अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। मुंबई से नीलेश पाटिल के साथ आज तक ब्यूरो। विवादित मुस्लिम उपदेशक जाकिर नायक का आरोप है कि उसकी संस्था आईआरएफ पर बैन सरकार ने नोटबंदी को ले रही हो रही परेशानियों से ध्यान हटाने के लिए लगाया है। एक पत्र लिखकर जाकिर नायक ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि केंद्र ने बिना सफाई का मौका दिए उसकी संस्था और उस पर पाबंदी लगा दी है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने जाकिर नायक की संस्था आईआरएफ को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। आईआरएफ पर लगे आरोपों की जांच में लगी एनआईए के मुताबिक जाकिर नायक और उसकी संस्था समाज के दो धर्मों के बीच नफरत फैलाते हैं और संस्था को मिलने वाले चंदे का उपयोग युवाओं को आतंकवाद के रास्ते पर गुमराह करने में किया जाता है। आज जाकिर नायक ने एक खुला खत लिखकर इन आरोपों को गलत बताया। एक ओपन लेटर लिखकर डॉक्टर जाकिर नायक ने गवर्नमेंट को उन्हें फंसाने का इल्जाम लगाया है। दूसरी ओर
तकरीबन 150 एम्प्लॉयज ने एक मास रेजिग्नेशन दिया है, जिसके चलते उन्होंने कहा है कि ये जो सिचुएशन, जो हालात है आज IRF में, उसको देखकर वो लोग रिजाइन कर रहे हैं। जाकिर नायक ने इस खत में लिखा है कि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं सरकार को इसका कानूनी तरीके से जवाब दूंगा। मुझे इस बारे में कोई नोटिस नहीं दिया गया और ना ही सम्मन भेजे गए। कुछ दिन पहले ही NIA ने आतंकवाद निरोधी कानून के तहत इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के 10 ठिकानों पर तलाशी ली थी। इन ठिकानों से कैश, दस्तावेज, IRF का साहित्य और कुछ सोना NIA ने जब्त किया था। NIA ने बैंकों को निर्देश देकर नायक और उसके संगठन के सभी बैंक खाते भी सीज करवा दिए हैं। इसके बाद IRF के सभी कर्मचारियों ने वहां से इस्तीफा दे दिया है। NIA द्वारा फोन सीज करने के बाद IRF को किसी भी अंदरूनी कई तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि IRF के लॉयर मुबीन सोलकर से जब मास रेजिग्नेशन के बारे में पूछा गया तो उनकी ये सफाई थी कि ये रेजिग्नेशन खुद IRF ने मांगे थे, क्योंकि IRF के बैन के बाद फॉर्मली IRF को बंद करना है। कैमरा पर्सन प्रशांत भट्ट के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। ISIS भारतीय मुस्लिम युवाओं के बीच तेजी से अपने पैर पसार रहा है और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र ATS ने इस साल अब तक राज्य के 24 युवाओं को ISIS में शामिल होने से रोका है। महाराष्ट्र ATS के दावों पर यकीन करें तो इस साल आतंकवादी संगठन ISIS महाराष्ट्र के 24 युवा लड़कों को रेडिकलाइज कर चुका है। ये सभी ISIS में भर्ती होने के लिए देश छोड़ने को तैयार थे। इन 24 में से 10 से ज्यादा अकेले मुंबई से थे। पिछले साल ISIS महाराष्ट्र के 18 युवाओं को रेडिकलाइज करने में सफल रहा था। अब ATS ISIS की विचारधारा से ब्रेन वॉश हो चुके इन 24 युवाओं को डी रेडिकलाइज करने के लिए इस्लामिक विद्वानों की मदद ले रहा है। ATS अफसरों की माने तो सोशल मीडिया से फैल रहे उग्रवाद को रोकना बहुत मुश्किल है। यहाँ से एजेंट बनाए जाते हैं, जिसके बाद बाकी लोगों को टेररिज्म की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन सोशल मीडिया की एक साइट को अगर ब्लॉक किया जाता है तो दूसरी साइट तुरंत ही आ जाती है। युवाओं को गुमराह करने के लिए ISIS का मुख्य हथियार इंटरनेट है। ATS सूत्रों के मुताबिक इस साल अलग अलग वेबसाइट से ISIS के 354 वीडियो ब्लॉक कर दिए गए हैं और 14 वेबसाइट पूरी तरह बंद कर दी गई हैं। पर ISIS का प्रसार थमता नहीं दिखता। IS के प्रसार को रोकने के लिए ATS IIT पास छात्रों की मदद ले रही है। IS के टारगेट मुस्लिम युवाओं की चैट रूम क्रैक की जा रही है। हाल ही में जो ISIS के ऊपर क्रैकडाउन हुआ है, उसमें महाराष्ट्र ATS ने पाया है कि मुंबई, पुणे और मराठवाड़ा से यंग लोगों को टेररिस्ट बनाया जा रहा है। यही काम पहले सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के लोग किया करते थे, जिसके लिए तकरीबन 9 से 10 महीने लगते थे। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से ISIS यही काम सिर्फ 40 दिनों में कर रहा है। आज के दिन पर ATS के लिए ये सबसे बड़ी परेशानी है। सौरभ वक्तानिया के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। होते हैं हाजिर, अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।